महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर के खींचतान जारी है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने खुद को फंसता देख अपने बयान पर सफाई दी है। मुनगंटीवार ने कहा कि राष्ट्रपति शासन वाली बात उन्होंने केवल संवैधानिक प्रावधान बताने के लिए कही थी। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनती है तो ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन ही लागू होगा, ये संवैधानिक प्रावधान है। मैंने इसके बारे में जो बात कही थी, आपको बता दें कि सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था कि अगर जल्द सरकार बनाने का फैसला नहीं लिया गया तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है उसकी जानकारी हमने दी कि अगर सरकार समय पर स्थापित होती नहीं है और सरकार दावा पेश नहीं करती है, वक्त चले जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाना यह घटना की तरतूद है, प्रोविजन है। तो जानकारी देना यानी धमकी देना है क्या? अगर कोई शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, उसकी जानकारी अगर शिक्षक देगा तो शिक्षक विद्यार्थियों को धमकी देगा, ऐसा अर्थ निकाला जाता है क्या? मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे अग्रलेख लिखने के बजाय जो 5 वर्ष हमने युति तोड़ने का काम नहीं तो युति को जोड़ने के लिए काम किया है, तो हम सब मिलकर जनसेवा करने के लिए सरकार की स्थापना करें।